أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद मुबारक है, सूरह बकरा आयत नंबर 124 अल्लाह का इरशाद मुबारक है। और जबकि इब्राहिम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाए, वैज़ तला इब्राहिम और रब्बुहु बिकलिमात फातम, तो वो उन सब में पूरे हुए। खौला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम, उन्होंने जो है उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो कहा कि मैं तुमको लोगों का इमाम बनाऊंगा। फिर आपने जवाबन कहा कि खौला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम सलाम ने कहा कि मुझे भी और मेरी औलाद से भी, यानी कि इमाम बना मेरी औलाद से। फिर अल्लाह ने कहा खौला ला यनालु अहदिस ज़ालिमी, यानी आपने अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। हमारे ऊपर की किताब रिसाले हिजदाया जो बंदगी अब्दुलगफूर सुजावंदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, जो बंदगी में शायद दिलावर रज़ी अल्लाह तआला के खलीफे बंदगी अब्दुल मलिक सुजावंदी के भाई हैं, उन्होंने 18 आया जमा की है जो इमामाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जो है सबूत में, ख़ुद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने सबूत में जो है अपने कौम के सबूत में वो आयत पढ़ी। तो इमामाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस आयत को तिलावत करने के बाद आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि उस इमाम से मुराद जिसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है दुआ की, उसे जो है फ़क्त तेरी ज़ात, हमारे बच्चों को सबको जो है वाकिफ रहने के वास्ते हर निश्चित में जो है हम सीरत इस्लाम की एक आयत पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह से जो है इब्राहिम इस्लाम ने दुआ की, इब्राहिम इस्लाम अल्लाह के खलील, एक पैगंबर, एक रसूल, उसके बाद जो है अल्लाह ने जो है उनको आजमाया। तो 40 बातों में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है आजमाया, और वो आजमाए फिर पूरे हुए, फतम हुए, वो पूरे हुए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि खौला इन्नी जाइलुका लिन्नासा, खौला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अल्लाह ने कहा हम तुम्हें जो है अब तमाम लोगों का इमाम बनाते हैं। वहाँ पे जो है इमामत का जो है पोजीशन मालूम होता है कि कौन सा इमाम है। तो इब्राहिम इस्लाम ने जो है फौरन कहा कि खौला, अल्लाह ने कहा कि खौला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो फौरन इब्राहिम इस्लाम ने जवाब में कहा कि खौला व मिन ज़ुर्रियती, और हमारी औलाद में से भी जो है कोई इमाम बना। तो ये वो इमामत है जो इतनी ऊपर का जो है दर्जा रखती है। तो अल्लाह ने जवाबन कहा कि खौल अल्लाह जनालु अहदिस ज़ालिमी, यानी मेरा वादा जो है ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। मतलब जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के मुनकरीन हैं वो ज़ालिमीन हैं, उनको जो है ये वादा, ये अल्लाह का वादा है, मौऊद है, ये वादा जो है नहीं पहुँचेगा। मतलब अल्लाह ने जो है वो दुआ कबूल कर ली। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर वो दुआ की, वो इमामाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जो है ज़ाते मुबारक, हमारे बुजुर्गों ने जो है उसके ऊपर जो है काफ़ी उसके ग्रामर के ऊपर हर चीज़ के ऊपर जो है गुफ्तगू की है, जहाँ पर अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है इमाम के उसे दुआ की है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फरजंदों में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जितने ही पैगंबर आए हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो है औलाद से आए हैं। तो जो है काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है कि अगर मूसा, अगर कोई मूसा कहें तो ईसा क्यों, अगर कोई दाऊद कहे तो जो है सुलेमान क्यों नहीं। फिर इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अगर वो इमाम को मुराद दिया जाए तो वो मोहम्मद रसूल सल्लम अगर होंगे तो जो है एक अलग आयत, दूसरी कुरान आयत मिलती है जहाँ पर जो है साफ वाज़े है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों वालिद और बेटे जो है जब काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो उन्होंने जो है उस वक्त पे दुआ की कि खुदाया हमारी ज़ुरियत में से जो है एक रसूल को बना जो है तो वही तेरी आयतों को जो है तिलावत करेगा और जो है उनकी नफ्सों को जो है पाक करेगा। तो उससे मुराद जो है उनकी ज़ात मुबारक। तो वहाँ पर साबित किया गया कि जो है ये इमाम से मुराद जो है उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकत। तो जो इमाम है वो ये इमामत है जहाँ पे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है उस पोजीशन पे दी गई है। याद रखिए सूरह बकरा की जो है 124वीं आयत है, इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म होता है कि जिस इमाम के ताल्लुक से ज़ुर्रियत में होने की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की उससे जो है फ़क्त तेरी ज़ात मुराद है। सद्दुल सीरत इमामाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम में आगे बढ़ते हुए अभी तो जो है बाकायदा सीरत मुबारका का जो है आगाज़ नहीं हुआ है। हमने इससे पहले जो है अहादीस के ऊपर जो है गुफ्तगू की है किताब अल मेहदी मौऊद से जो अल्लामा सैयद हुसैन अहमदी साहब की है, और सीरत की जो है हम थोड़े थोड़े अलग अलग जो है पहलुओं को जो है नज़र किए हैं। अब इमामाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ करने से पहले
आज की नशिस्त में जो है किताब मौलूद शरीफ से जो बंदगी शाह अब्दुलरहमान रज़ी अल्लाह तआला इतनी बंदगी शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला की लिखी हुई है, सीधा सीधा डायरेक्ट जो है इस्लाम के खलीफे बंदगी शाह निज़ाम के जो है फर्जंद के हाथ की लिखी हुई किताब है। उसमें से जो है जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की नशिस्त में कहा था कि अब वो पढ़ना बाकी है कि एक 3-4 सफ़ात में हज़रत ने जो है इमाम मेहदी मौद सलाम की जो है सूरत और सीरत को जो है इजमालन पेश किया। इसको हम तफसील बाद में देखेंगे, एक इंडेक्स के तौर पे जो है मेहदी मौद सलाम की सूरत और इमाम मेहदी मौद सलाम की सीरत को बंदगी में शाह अब्दुलरहमान रज़ी अल्लाह तआला ने जो अपनी किताब में पेश किया है वो आपके सामने पढ़ाऊँ। बड़ा दिलचस्प है, इससे जो है देखिए हमें जो है इस्लाम की सूरत मालूम हो जाती, मैं इस्लाम का खदो खामत मालूम होता, मैं इस्लाम की जो है गुफ्तगू मालूम होती, मैं इस्लाम की जो है फिर सीरत में जो है इस्लाम के जो है अखलाक आपका कैरेक्टर आपको देखने वाले आपकी गुफ्तगू आपका बयान सब चीज़ जो है इजमालन जो है 3-4 सफ़ात में जो है हो जाएगी। फिर अल्लाह चाहा तो कल की नेक्स्ट जो नशिस्त होगी वो भी जो इम्पोर्टेंट है आपको कह देता हूँ, क्योंकि जो है इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुबाहिसे आलमगीर किताब है जो है सबूत महदियत के ऊपर जो है जो डिबेट हुआ था औरंगज़ेब के हाजी से महदियों का डिबेट हुआ था वो जो है अल्लाह चाहता आपके सामने पढ़ के सुनाई जाएगी। क्योंकि जो है हमारी सीरत के अभी टॉपिक में बाकायदा इस्लाम की जो विलादत के वाक़ात है वो स्टार्ट करने से पहले मैं इस्लाम के सबूत के ऊपर भी अगर जो है गुफ्तगू करना है तो जो है एक बेहतरीन किताब अगर डिबेट के वास्ते अगर हमें मिलेगी तो जो है मुबाहिसे आलमगीरी जो है मुख्तसर है, नौजवान बच्चों के वास्ते भी जो है बहुत आसान किताब है। तो अल्लाह चाहता तो जो है नेक्स्ट नशिस्त में मुबाहिसे आलमगीरी बतौर सबूत में इस्लाम के तौर पर जो है इंशाल्लाह पढ़ के सुनाई जाएगी। आज की नशिस्त में जो है मौलूद मियां अब्दुलरहमान से जो है जो इजमालन हजरत ने मेहदी मौद सलाम की सूरत और इमामना मेहदी मौद सलाम की सीरत को पेश किया है वो आपके सामने जो है अब मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। हजरत लिखते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत व सीरत खातिमुन नबी की सूरत व सीरत की जैसी थी, सीधा सीधा रसूल की सूरत और सीरत की जैसी थी। इतनी बात नहीं की गुप्त गहरी थी, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत व सीरत खातिमुन नबी की सूरत व सीरत की जैसी थी। चुनाचे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बंदा और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़माने में होते तो कोई शख्स हमारे दरमियान तमीज़ ना कर सकता। अल्लाह ताला ने रसूल को जो है रसूल तो जो है सबसे अव्वल नूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल को जो है हज़रत बज़ाहिर जो सूरत इंसानी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जो है सूरत पर जो है भेजा है और इमाम मेहदी मौद सलाम को भी, जैसा कि रसूलुल्लाह ने जो है पहले कह दिया था वो मेरी सूरत पे होगा, मेहदी मौद सलाम भी हूबहू वही सूरत पे थे। यहाँ तक कि जो हमारे पास की रवायतें जो मिलती है अपनी सीरत की किताबों में बंदगी मेरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला ने जब आलम रुया में जब आप कसब में थे तब जो है खातिमैन को जब ख्वाब में देखा यानी रसूल को और मेहदी मौद सलाम को तो आप तमीज़ नहीं कर सक रहे थे कि इसमें जो है रसूल्ला कौन है और आपके वालिद बुजुर्ग और मेहदी मौद सलाम कौन है। यहाँ तक कि खुद महसलाम आगे बढ़ के फरमाए कि भाई सैयद महमूद तुम्हारे जद्दियाला यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है ख़दम मुसी कर, तब आप मालूम हुआ कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है और ये मेहदी मौद, खुद बेटे जो है तमीज़ नहीं कर सके कि वालिद कौन है यानी मेहदी मौसलाम कौन है और रसूलुल्लाह कौन है। तो हज़रत लिख रहे हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत वसीरत खातिमुन नबी की सूरत वसीरत की जैसी थी। चुनाचे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बंदा और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़माने में होते तो कोई शख्स हमारे दरमियान तमीज़ ना कर सकता। अब हुलिये मुबारक को वाज़े तौर पर सुनो, चमकदार चेहरा, घुंघरू वाले बाल, मुतवस्त बाल, सर बड़ा कुशादा, पेशानी बदर सा, रोशन चेहरा, बनी इसराइल की आंखों जैसी आंखें यानी बड़ी और बहुत आबदार पुतलियां काली, आंखों की सफेदी बहुत रोशन, खदरे सुर्खी सुर्खी माए जो है हल्के से जो है लाल लाल दिखती, झट बहु कुशादा खूबी के साथ, पलके लांबी, घनी दाढ़ी, सुर्ख चेहरा और रोशन गाल, बुलंद बीनी यानी आपकी नाक जो है अच्छी ऊंची थी, मुतवस्त कान बराबर कान थे, सर मुबारक नियायत मौजू, बाल ना लंबे ना कोता, गर्दन मियाना, बाजू मुबारक लंबे लंबे, कंधे कुशादा, पंजा नियायत मजबूत, उंगलियां लंबी लंबी सीधे रुखसार, उंगलियां लंबी लंबी सीधे रुखसार मुबारक पर काली तिल, शाना कुशादा सीधे शाने पर यानी जो आपकी मुंडे हैं कुशादा पे सीधे शाने पर मोहरे बिलाए, मेहदी मौद सलाम की जो है जो पीछे का जो हिस्सा है ये जो मुंडे हैं वहाँ पे सीधे मुंडे की तरफ जो है मोहरे बिलाए थी, जिस तरह रसूल की जो है पुश्ते मुबारक पे पीठ पे मुंडों पे जो है मोहरे नबूवत थी अल्लाह की तरफ से स्टैंप ये खातिमुन नबी है, उसी तरह जो है मेहदी मौद सलाम की जो है पुश्ते मुबारक पे जो है
मोहरे विलायत थी स्टैम्प को अंडे की शक्ल में उभरा हुआ एक जो है वहाँ पे जो है स्टैम्प था कि ये मेहती मौत अली सलाम सामने हट जाओ लोग नमाज को पुश्ते मुबारक मुतवस्त लिख रहे हैं कि घनी दाढ़ी सुर्ख चेहरा रोशन गाल बुलंद बीनी मुतवस्त कान सर मुबारक नहायत मौजू बाल न लंबे न कोता गर्दन मियाना नॉर्मल बाजू मुबारक लंबे लंबे कंधे कुशादा पंजा नहायत मजबूत उंगलियां लंबी लंबी सीधे रुखसार मुबारक पर यानी आपके सीधे गाल पर काली तिल शाना कुशादा सीधे शाने पर जो मुंडे का पीछे ऐसा है पर मोहरे विलायत पुश्ते मुबारक मुतवस्त पीठ सीना मुबारक कुशादा सीरीन गाह मुतवस्त पिंडली मुबारक नहायत मौजू खदम मुबारक फराख इस्तख्वान मुबारक यानी हड्डियां नरम आज़ा मुबारक पर पसीना पसीने की खुशबू गुलाब के माने लुआब दहन मुबारक यानी जो आपके दहन का मुंह का जो थूक है लुआब दहन मुबारक मुश्क व अंबर की तरह आज़ाए मुबारक मुअत्तर ऐसा जैसे कि किसी ने खुशबू का इस्तेमाल किया हो रोशन बशरा यानी रोशन चेहरा पेशानी मुबारक तापना ताबा इन चमकदार चेहरा मुबारक देखने वालों की बलाओं का दफा करने वाला आपकी तलत यानी आपका दीदार मुबारक का मुशाहिदा बास राहत सीना आपके मंजर मुबारक का मुतालिया बास फरहत दिल लेकिन बावजूद इन खूबियों के कामिल अजमत के साथ पूरे विकार के साथ शीरीन सुखन नरम आवाज़ ज़ुबान मुबारक में फसाहत ऐसी सुनने वाला जिस कदर भी सुने सैरी ना यानी जितना मैं इस्लाम को सुनता जाए वो जो है बसी नहीं करे मतलब जो है मैं इस्लाम सिर्फ कहते चले जाए उसको तो इतना मज़ा आएगा चेहरे पर नमक और आपका जो चेहरा है नमकीन है उसको भी जो चेहरा था नमकीन था चेहरे पर नमक और खूबसूरती लताफत के साथ मुनकसिरुल मिजाज यानी आप मिजाज में इनके सारी बहुत रोने वाले कम हंसने वाले यानी इस्लाम का कैरेक्टर मानवा ने बहुत रोने वाले कम हंसने वाले सरापा कामिल लताफत लेकिन हैबत और दबदबे के साथ कलाम पाक में हिकमत भरी हुई जिसमें बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना मुख्तसर बात में भी जो है बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना और हमेशा बहुत बुर्दबार आपकी मजलिस मुबारक दिलरुबा आपकी सोहबत मुबारक दिलकुशा आपका मजहब मिन जानिब अल्लाह ईमान बख्शने वाला अक्सर मुस्कुराते मुरवत हद से ज़्यादा कामिल बहादुरी सखावत का पहलू ली हुई सूरत व कामत मोते दिल और नरम लेकिन हैबत व करम के साथ जिसमें वाफरेजगी यानी बहुत ज़्यादा कसरत और बहुत आदा सादिकुल अखबार पैगम्बर अफवाल यानी सच बोलने वाले और पैगम्बरों के अफवाल आपका हाल कुरान शरीफ के मुआफ़िक लेकिन मौजूदा ये कि तमाम खड़े और बैठे हुए ऊँचों से ऊँचे नज़र आते मैं इस्लाम अगर चल भी रहे आप तो खत तो जो है मियाना है हाइट आपकी जो है मियाना है लेकिन जब मजलिस में अगर ठहरे हुए हैं तो सबसे ऊँचे नज़र आते हैं ये रसूल का खासा है और मेहदी मौसलम का खासा है बैठे हुए भी हैं तो सबसे जो है ऊँचे नज़र आते हैं कम सोते और कम गुफ्तगू फरमाते इस्लाम के बारे में कह रहा है कम सोते और कम गुफ्तगू फरमाते कम मेलजोल रखते आपसे मिलने मिलाने वाले के गुनाह धुल जाते बंदगी में भाई मुहाजिर रज़ी अल्लाह तआला से नकल है कि इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बंदे की सोहबत में इतनी देर बैठा जीते जितना कि जो है जूते से गर्द साफ़ करने लगती है सेकेंड्स उसके तमाम पिछले गुनाह जो है धुल गए तो मैं इस्लाम की सोहबत इतनी देर अगर बैठा तो आपसे मिलने वाले के गुनाह धुल जाते कुरान शरीफ का बयान कसरत से फरमाती मर्दानगी के मादन जवां मर्दी का ख़जाना थी अगर कोई गुनाह करता तो उसको माफ़ कर देती लोगों की ऐब पोशी फरमाते उनके ऐब छुपाते आप जहां तशरीफ़ ले जाते सादत आपके कदमों पर लौटती रहती
आपको गुस्सा बहुत देर में आता और फिर बहुत जल्द खुशनुद हो जाती। मारूजा कान लगाकर सुनती, अगर कोई कहता तो जो है उसकी तरफ जो तवज्जो करती। रसूल के बारे में ये आया है, मतलब उसको जो है सामने वाला अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको बताते कि जो है उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं। मतलब एक रुआतर पर्सनलिटी खलीफतुल्ला है, मगर आप जो है सर कान झुका के सर रसूल बात करते थे कि उसको मालूम हो कि जो है रसूल पूरी तरह उसकी तरफ जो है मुतवज्जो है। तो मैं मौत सलाम भी जो है पूरा उस तरफ जो है मुतवज्जो होकर जो है कान लगा के सुनते, कोई भी आदमी हो जाए। यहाँ तक कि जो है ये भी रिवायतों में आए हैं, इंसाफनामे ही में है कि इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से जो है सवाल काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग सवाल करते थे। उसको भी जो तंग किया जाता था सवाल अलग अलग तरीके से। तो मैं इस्लाम को भी जो जब बहुत ज़्यादा एक शख्स सवाल कर रहा था तो हज़रत सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजू के हुजरे ही में थे। आपने जो है सर बाहर निकल कहा कि मीरा जी क्यों अपना सर खपाते, क्यों जो इतना सर, मतलब नहीं सवाल करते जा रहे हैं, इस्लाम जो है जवाब देते जा रहे हैं, तंग नहीं आ रहे। तो इस्लाम ने फरमाया कि हाँ, खुदा ताला ने बंदे को सर खपाने के लिए भेजा है, मतलब दिलों को मुतमईन करने के लिए जो है भेजा है। तो ये इनके सारे आदब देख लिए, अपन जो है थोड़े वो सवाल पे जो है चिढ़ जाते, वो जो पेशेंस वगैरह है ये खासा है। और हम तमाम ताबईन का ये जो पढ़ा जा रहा है उसका मकसद यही होता कि जो ग़ुलाम होते हैं वो अपने आँखा के रंग में उसे रंगे जाने की जो है ख्वाहिश होनी चाहिए, अपने आँखा के रंग में रंगे जाने की उसको ख्वाहिश होना। तो ख़ातिम इस्लाम की जो है यही खसूसियात है। आपको गुस्सा बहुत देर में आता और फिर बहुत जल्द खुशनुद हो जाते। मारूजा कान लगाकर सुनते और जो बात हक है वही फरमाते। दीन खुदा और सुन्नत रसूलल्लाह की हिमायत फरमाते और तमाम रसूम व आदात व बिदात को मिटाते। ना इम्पोर्टेंट नुकता देख लीजिए, ना मानिंद बाज औलिया के कि उन्होंने बिदत हसना व सिह में तफरीक की। देखिए ये बिदत मतलब दीन में जो है कोई नई चीज़ पैदा होना वो बिदत है। तो अब कोई अच्छी चीज़ अगर पैदा होगी समझ, तस्बीह फिराना है, उन्हें कोई बुरा काम नहीं कर रहा, कोई बुरा काम नहीं कर रहा उन्हें, मगर उन्हें जो है तस्बीह फिरा के जो है गिनते हुए जो है पढ़, तो इसको जो है औलिया अल्लाह ने जो है तफरीक की कि जो है ये अच्छी बिदत है, बिदत हसना है। ऐसे कहीं पंसूरा पढ़ना, ऐसे कई चीज़ें चिल्लाकशी करना, ये जो है मतलब जो रसूल ने काम नहीं किया, इन्होंने अपने इख्तियार से किया, इसको बिदत कहते हैं। मगर चूंकि ये अच्छी बिदत है तो औलिया अल्लाह ने जो है बिदत में जो है तकसीम की, बिदत हसना और बिदत सीखा, तो ये कहा गया इस्लाम ने जो है तमाम बिदतों को मिटा, मतलब वो अमल ही नहीं जो रसूल ने नहीं किए। क्योंकि इस्लाम ने उसकी वजह बताई कि बल्कि हजरत महेश इस्लाम ने फरमाया कि कोई हंसना अच्छी चीज़ अगर होती, कोई हंसना अल्लाह ताला ने अपने महबूब से पोशीदा ना रखा, वो कौन सा हंसना है जिसको रसूल खुदा ने ना किया। हंसना होता तो रसूल्ला करते हंसना, कोई अच्छा अमल होता कोई अच्छी नेकी होती तो अल्लाह रसूल्ला को देता, रसूल्ला को। तो यहाँ पर साफ बता दिया गया तो हमारा बिदत हंसना भी नहीं है, डायरेक्ट जो है रसूल का जो है प्योर मजहब जो है इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सत्य में हमें मिला है। हज़रत इस्लाम ने फरमाया कि कोई हंसना अल्लाह ताला ने अपने महबूब से पोशीदा ना रखा, वो कौन सा हंसना है जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया। हर तालिबान खुदा के हक में मुश्तरी, यानी उनको जो है रास्ता बताने वाला, हर तालिबान हक में मुखालिबान दीन के हक में मरीख, उनको जो है रोकने वाले, आपकी ज़ात मुबारक जवामरंदी के बाग का गुलदस्ता, गुलजार नबूवत के फूलों का गुंचा, आपका नुत्क यानी आपकी बात आपका कलाम, आपका नुत्क कलाम रब्बानी, आपका हुक्म हुक्म सुबहानी, आपका दिल असरार कुरानी का ख़जाना, आपका जिस्म मुबारक अमानत रहमानी के बोझ का उठाने वाला, आपकी गुफ्तगू दर्दमंदाना मोहब्बत के लिए बास सहत, आपके अल्फाज गमगीनियान जुदाई के लिए बास उनसत, आपकी बेसत तमाम खलाइक पर और आपकी दावत तर्क के अलायक पर, यानी जो है दुनिया को तर्क करना, आम मतलब से जो है दूर हटना, हिजरत करना और अल्लाह की तरफ जाना, और आपकी दावत तर्क के अलायक पर, आपकी इताअत जिन व इंसान के लिए फ़र्ज, आपका बयान मुनकिरों और मुतियों के लिए महकब, आपका वजूद मुबारक रोशन, आपका खिताब मुबारक मेहदी माऊद हमसर व हम मरतबे मोहम्मद महमूद। देखिए शुरू से जो है हमारे पास इस्लाम का जो मुकाम वगैरह बताया गया है, सबसे पहली सीरत मुबारक है उसमें जो है ये अलकाबात इस्लाम के साथ लिखे जा रहे हैं
کہ آپ کا خطاب مبارک مہدی ماؤد ہمسر و ہم مرتبہ محمد محمود، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمسر اور ہم مرتبہ، کیونکہ آپ آن حضرت کے تابع تام ہیں، کامل پیروی کرنے والے ہیں، اور آپ کی بعثت خاص و عام پر ہے. آپ کی بات میں شیرینی، آپ کی آواز میں نرمی، غریبوں کے مونس، یتیموں کے غمخوار، فقیروں کو عزت دینے والے، احمقوں سے مقابلہ نہیں کرنے والے، بیماروں کی عیادت کرنے والے، آپ کا سینہ اللہ کا خزانہ، آپ کا دل اللہ کا گھر، روح مبارک اللہ کا راس، آپ کا رنگ اللہ کا رنگ، آپ کے موئے مبارک اللہ کے فقیروں کی کمن، آپ کی بو نسیم سحری، آپ کا چہرہ عین حلیے دلربا، آپ کا چہرہ عین حلیے دلربا، آپ کا خد مبارک غیب کے چمنوں کا سر بلند، آپ کی پیشانی آفتاب سے زیادہ روشن، آپ کا محمل سواری بے شک، تبارک اللہ رب العالمین، یعنی بے شک بابرکت ہے اللہ کی، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، آپ کی دعوت احکم الحاکمین، یعنی سب سے بڑا حاکم، آپ کی طبیعت الرحم الرحیمین، یعنی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان، صبح آپ کے چہرے کے نور سے خندہ، مشک و عنبر آپ کی بوئے مبارک سے فیض لینے والے، دنیا کے بادشاہ آپ کی گلی کے گدا فقیر، مشرق و مغرب آپ کے ایک تارے منہ سے بندے ہوئے، باطن کے تمام تاجدار صداقت کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہیں، فسوف یأتی اللہ بقومی، یعنی قریب میں لائے گا اللہ ایک قوم کو آپ کے گروہ کی تعریف، سورہ المدہ کی جو آیت ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، آپ کے گلدستے کا ایک خوشنما پھول، سورہ ہود کی آیت جس سے پہلے پڑھی گئی تھی، قل ہاذہ سبیلی، آپ سے وابستہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو اے حبیب میں بلاتا ہوں مسیرت پر اللہ کی طرف، میں اور وہ جو میرا تابع ہوگا، حسب آپ سے وابستہ ہے، اور حسب اللہ ومن تباک، یعنی اے محمد کافی ہے تیرے لیے خدا اور اس کے لیے جو تیرا تابع ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، اور اولو الالباب آپ کے گروہ کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں آیا ہے اولو الالباب، اسلام نے فرمایا کہ اولو الالباب سے مراد میری خوف ہے، عقل مند لوگوں سے مراد میری خوف ہے. تمام نقبات و شرفا آپ کے خرمن کے خوشچی ہیں، خطب اور غوث آپ کے معتمدین ہیں، ابدال و اوتا سب آپ کے متخدین ہیں، اور تمام اولیاء اللہ آپ کی ولایت سے فیض کے خواہاں ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ولایت ہے، یعنی جو کچھ کے اولیاء کرام کو مل رہا ہے وہ آپ ہی کی ولایت ہے، جو حقیقت میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. فرمان رسول میں اللہ کے نور سے ہوں، اس کا خوام ہے، آپ کی دعوت تمام مخلوق پر ذکر دوام کی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا، اور آپ کی سخاوت یعنی بانٹنا ہمیشہ تمام مخلوق پر ہے، اور آپ کی سویت فقیروں میں خاص و عام ہے، اور خاتم الانبیاء کی پیروی آپ ہی میں پوری پوری ہے، مہدی ماؤد آپ کا نام ہے، اور آپ کے منکر کے لیے ناک گھسنی ہے، یعنی ذلت ہے. آگے ذرا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس جماعت میں، یعنی مہدویہ جماعت میں جلا، اور اسی جماعت میں مات، اور قیامت کے دن اسی جماعت میں میرا حشر کر، کلمہ طیبہ اور تصدیق کی حرمت سے. یہاں پہ جو ہے حضرت بندگی شاہ عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ کا جو ہے جو اس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے آپ کا اب تحریر جو ہے ختم ہوتی ہے. آج کی نشست بالکل مختصر تھی، یہی آپ کے سامنے جو